नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अवध लाइव खेती में। किसान भाइयों, आज मैं आ पहुंचा हूं दोबारा से। एक बार मैं आ चुका हूं, फिर से आप लोगों की रिक्वायरमेंट पे आ पहुंचा हूं मानसा के अंदर में जय किसान रीपर कंपनी में। किसान भाइयों, पहले मैंने जो वीडियो दी थी, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मेरे किसान भाइयों ने इतना प्यार दिया। हमारे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने फोन करके बताया सर का जो प्रोडक्ट है काफी क्वालिटी बेस्ड होता है, तो एक बार जाओ और जो मॉडल्स हैं उस पर वीडियो बनाओ। और एक चीज ये करो कि अभी गेहूं का सीजन आने वाला है, उसके लिए कोई नया क्या कुछ किए हैं उनसे जानकारी लो आप। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर। किसानों के साथ आप इतना प्यार किसान कैसे आपको दिखाते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी कैसे दे लेते हैं सर? देखो, ऐसा है, जब मैंने पहली बार इसे मतलब आपके माध्यम से पिछले चैनल में दिखाया था, जी बिल्कुल सर, मेरे को इतना एक्सेप्टेशन नहीं थी कि इतना मेरा रीपर, इतने फोन आएंगे मेरे को, इतनी कॉल आएंगे और इतने रीपर डिमांड में आएंगे जी। उनके फोन भी आ रहे हैं मेरे पास कि आपने हमें कहता मतलब बहुत वाजिब रेट में और बहुत बढ़िया रीपर जी जी जी। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जी, कि मेरे को किसान इतना प्रेम दे रहे हैं जी, कि मेरे को मतलब उत्साह हो रहा है कि मैं और से और ज्यादा क्वालिटी अच्छी बनाऊं और ज्यादा से ज्यादा रीपर और बेचूं। और बिल्कुल, हमारे एक हमारे व्यूअर्स हैं, उन्होंने आपका रीपर लिया, उन्होंने बोला कि मैं मानसा में 10 कंपनियों में बात किया, फिर जाके आपका रीपर केवल पसंद आया जी। जी जी, एकदम दिल खुश हो गया। अगर ऐसा कोई कहता मजा आ जाता है सर जी। ऐसा देखिए, बात ऐसी है, अगर रीपर लेते हैं जी तो उसके बाद जब कटाई होता है, कटाई करने के बाद कटाई तो ठीक है, हो जाता है, लेकिन एक आम रीपर होता है जैसे उसने 50 घंटा चल पड़ा जी, तो हमारा रीपर अगर वो 50 घंटे चलता है जो 150 घंटा चलेगा लगातार जी, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, कोई इसमें मेंटेनेंस नहीं है, कोई इसमें खर्चा नहीं है एक्स्ट्रा, आपको ब्लेड चेंज करने की जरूरत नहीं है जी, ठीक है ना जी। आपका मतलब है सीजन तो बहुत बढ़िया लगेगा ही लगेगा, विदाउट मेंटेनेंस लगेगा, बिल्कुल खर्चा नहीं होगा, वही किसान चाहता है जी। देखो, किसान बहुत बहुत गहराई से बहुत काम करके अन्नदाता है ये हमारा जी, और बहुत मेहनत से पैसा कमाता है, बिल्कुल हम चाहते हैं कि उनका पैसा व्यर्थ ना जाए, बिल्कुल। तो इसलिए ऐसा प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं जिसके लिए वो उससे धन कमा सके, अपना खर्चा निकाले, अपना तो कटाई कर ही सके और भी काटे, ठीक है ना। इसकी एक एकड़ की आराग से किराया भी मिलता है किसानों को जी, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि किसानों को हमारे रीपर से पैसा भी मिल रहा है जी, ठीक है ना। ठीक है, हमारा तो काम है कि उनको बढ़िया से बढ़िया चीज देना, लेकिन जब उनसे रिप्लाई आता है, फीडबैक आता है कि बताते हैं कि आपका रीपर लिया था हमने, इससे इतनी कमाई कर ली, तो हमारा तो हमने अपना तो काटा ही काटा और किराए पे भी काटा, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है जी। अच्छा सर, ये जो रीपर आप लेके आए हैं, ये बेसिकली कौन कौन सी फसलें काटेगा? देखिए, ये जो मतलब 3 बेल्ट वाला रीपर है, जैसे आप धान, गेहूं, सरसों जी, ठीक है, सरसों जो 5-6 फीट तक है वो काट देता है, बिल्कुल ठीक है ना। जो ज्यादा हाइट में रहेगा उसके लिए 4 बेल्ट चलता है। अच्छा, उस 4 बेल्ट में भी आपके पास अवेलेबल है? हाँ, वो भी अवेलेबल है। ये 3 बेल्ट वाला बैक वाला रीपर है, जैसे फ्रंट वाला रीपर होता है, दो तरह की क्वालिटी होती है जी, बिल्कुल। फ्रंट वाले में क्या होता है कि उसमें आपको फिटिंग करवाना पड़ता है जी, आप आगे से फिटिंग करवाओगे तो फिर चलेगा वो, ठीक है। जो बैक वाला है उसमें कुछ नहीं करना, उसमें पीछे जो लिंक दी होती है उसमें लगाना है और क्रॉस के साथ ज्वाइंट होता है, ट्रैक्टर के साथ ज्वाइंट। अच्छा, यहाँ जो क्रॉस दिया हुआ है यहाँ से ज्वाइंट हो जाता है? यहीं से ज्वाइंट हो जाता है, बड़ा सिंपल और सीधा सा इसका काम है। यहाँ से अपना लिंके लगती हैं, यहाँ से लिंके लग जाती हैं और यहाँ पे क्रॉस लग जाता है ज्वाइंट, और ट्रैक्टर के साथ लग जाता है और ये घुमाने शुरू हो जाता है, काटना स्टार्ट जी, और काम अपना किया, इसको साइड पे रख दिया, बिल्कुल ठीक है, इतना फायदा है इस ब्रीड। अच्छा सर, क्या ऐसी चीज इसमें आप यूज करते हो? हमारे किसान ने बताया कि फसल जो है आपका जो रीपर वो फसल बिखेरता नहीं, बिल्कुल लाइन से बिछाता हुआ जाता है, बिल्कुल। इसके लिए हमने बहुत ही बढ़िया तकनीक इसमें इस्तेमाल की हुई है जी। इसका मेन जो चीज होता है वो गेयर बॉक्सा होता है जी, उसकी हम 2 साल की गारंटी देते हैं अपनी तरफ से। अच्छा, अपनी तरफ से? हाँ, अरे क्योंकि वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है जी। बाकी जो लाइन लगाने वाली बात होती है, हाँ, वो पटों की लाइनमेंट पे होता है जी। अगर पटे बड़े अच्छी क्वालिटी के पटे हैं, बेल्ट कहते हैं जिसे, जो ये बेल्ट है सर, हाँ, क्वालिटी काफी अच्छी दिख रही है इसकी, ये पटा ये इसका मजबूत होना चाहिए जी। अगर ये बेल्ट अच्छी है आपकी, ये इस पे दम होता, इसका दम लगता है सारा जी, कटाई के ब्लेड और ये जब बाहर निकालने में ये अच्छे तरह से क्वालिटी से सही लगाए हुए होंगे तो बढ़िया क्वालिटी का होगा तो सही गिराएगा ये, बिल्कुल बाहर से अच्छी तरह से निकालता रहेगा जी, जी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे रीपर की ये गारंटी है कि वो काट के लाइन सीधा लगाएगा जी, बिल्कुल। सर आप तो कहते हैं लेकिन जब किसान कह देता है तो बड़ा अलग चीज, उसने कहा मतलब बड़ा प्रसन्नता हुई सर उस चीज को देख के। अच्छा सर, ये बताओ कि ये जो इसकी साइज है कितनी है, कितना फिट है ये? ये 7 फीट के मतलब 7 फीट से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 7 फीट मान के चलिए। ऐसे ही रीपर 7 फीट में, अपना 6 फीट में
और 5 फीट में भी आते हैं, बनाते हैं रीपर। अच्छा सर, ये तो ब्लेड वगैरह की क्वालिटी भी मुझे काफी अच्छी लग रही है, इसमें जो फिरकी वगैरह जो ये जो फाइबर यूज किया काफी क्वालिटी बेस्ड आपने लगाया है। बिल्कुल, जो ब्लेड है वो 3 mm के अपना शार्प कंपनी के ब्लेड लगाते हैं जी, और जो उसके बैरिंग होते हैं वो जेड वाले, डबल जेड वाले बैरिंग होते हैं, बढ़िया क्वालिटी के। अच्छा सर, ये बताओ कितने HP के मिनिमम, कम से कम कितने HP के ट्रैक्टर पे इसे हम लगा सकते हैं? देखो जो ये रीपर है आप इसे 30 HP तक भी लगा सकते हैं, 30 HP तक जी। अगर इससे कम होगा जी तो आपको 5 फीट का या 6 फीट का लगाना पड़ेगा जी। 30 HP से 35, 40, 50, 60 उस पे आप ये रीपर 7 फीट का लगा सकते हो जी। अच्छा सर, एक चीज ये हो गई, ये तो आपने दिखा दिया, फैक्ट्री में सर चलते हैं, वहां पे देखते हैं वहां पे वर्किंग हो रही है और कौन कौन से रीपर बन रहे हैं वहां पे। आओ चलिए, बस आइए, जो भी अपने चैनल के माध्यम से देख रहे हैं किसान भाई जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप देखिए हमारी फैक्ट्री में आइए, जो हमारा फैक्ट्री का एड्रेस दिया हुआ है उसमें, और ये फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जो रीपर बन रहे हैं। किसान भाइयों को मैं अपनी फैक्ट्री में लाया हूँ, आपको फैक्ट्री देखने के लिए स्वागत करता हूँ आपका। देखिए ये 7 फीट का रीपर है, ये 4 बेल्ट वाला है, इसमें क्या सुविधा है कि आपको इसको 3 बेल्ट वाला भी कर सकते हो और 4 बेल्ट फोल्डिंग है ये, इसको उतार सकते हो, जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको आप उतार सकते हो। देखिए ये 4 बेल्ट वाला रीपर किस काम आता है बताता हूँ मैं आपको, जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा बड़ी हाइट वाली फसलें होती हैं तो उसको काटने के लिए बाहर निकालता है बाहर को ये 4 बेल्ट वाला। अगर आपके पास छोटा ट्रैक्टर है उसके लिए भी हमने एक मतलब 5 फीट का रीपर तैयार कर रहे हैं, ये देखिए ये 5 फीट का रीपर है, जो छोटा रीपर है वो 7 फीट के रीपर दे, इसके अलावा 6 फीट का रीपर बनता है, ठीक है ना, ये 5 फीट का रीपर है, जैसे अपना 25 HP, 25 HP, 20 HP, 15 HP तक का जो ट्रैक्टर है उस पर लग जाता है ये, ठीक है जी। तो देखिए जो हमारा कार्यकाल है, देखिए अब देखिए वो मशीनों के द्वारा काम होता है सारा, कटिंग वगैरह जो भी होती है सारी मशीनों के द्वारा होती है, हमारा झुंड लगा हुआ है पूरा, जो कारीगर है बढ़िया बढ़िया अच्छी कारीगर हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं, सभी एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, और हम चेक करके इसको रीपर को फिर किसानों को भेजते हैं कि इसकी हमें कोई भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए किसानों को। कि आपने अभी फैक्ट्री में देखा कि कैसे रीपर बन रहे हैं, पूरा जेन्युइन चीजें थी वहां पे, कि सारे वर्कर कैसे काम कर रहे हैं, कितने फिट का बन रहा है, मतलब कई प्रकार के आपको रीपर वहां पे अवेलेबल देखने को मिले। अच्छा सर ये बताओ, सारी चीजें हो गई, कुछ हमारे किसान भाइयों को सब्सिडी वगैरह भी इस पे है? हाँ, देखो हमारा जो रीपर है जी ये पास है, अच्छा गवर्नमेंट से पास है, अप्रूव्ड है जी, ठीक है, सब्सिडी के लिए आपको मान्यता प्राप्त है, सब्सिडी से प्राप्त होगी जी, आपकी गवर्नमेंट देगी जी, कैसे प्राप्त होगी वो हम आपको बताएंगे जी, आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन मिलेगी आपकी गवर्नमेंट के थ्रू। वो तो सर नियम होता है, गवर्नमेंट ही देती है, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग परसेंट पे होता है, कितने परसेंटेज मिलना है, इतने परसेंटेज मिलना है, मतलब काफी अच्छा लगा सर। अच्छा सर ये बताओ, अगर इस वाले रीपर की हम बात करें, इसका रेट क्या पड़ जाता है? देखो रेट जो उसके माध्यम से है कि आज का मतलब लोहे का रेट क्या है, ठीक है, उसी हिसाब से है, उसी हिसाब से, पर हम ज्यादा कम से कम मार्जिन रख के बढ़िया से बढ़िया, वो तो सर रेट आपका काफी अच्छा होता है, जेन्युइन रेट होता है। देखिए मैं अगर आपको अब बता दूं कितने का है, आने वाले टाइम में आपको देखो ऐसा तो है नहीं कि अभी चलेगा ये तो कितने सालों चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल पक्के हो जाओगे कि भाई मेरे को तो इतने का बताया था, ये कम भी हो सकता है जी, कम भी हो सकता है, ज्यादा 2-4, 5 हजार, 10 हजार, ज्यादा 2-4, 5 हजार कम, यही होता है सर, इसलिए हम कोई आपको कमिटमेंट रेट का नहीं करते हैं, करंट रेट होगा वो बता देंगे जी, पर हम अपना मार्जिन हिसाब से रखते हैं जी। अच्छा सर ये बताओ, कोई किसान भाई है वो मंगवाना चाहता है जी, तो पहली बात तो कैसे बुक करवाएगा, कैसे मंगवा सकता है, और दूसरी चीज एडवांस कितना देना पड़ता है? देखो ऐसा है, जो किसान भाइयों आजकल सभी जगह पे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है जी, आपके मान लो आप गांव के हो जी, तो गांव के आपका 30-40 किलोमीटर के लगभग डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसपोर्ट होती है जी, तो हम वहां पे बुकिंग करवा देते हैं जी, मिनिमम चार्ज लेते हैं, जैसे 15,000 रुपया ले लिया, 20,000 ले लिया, ठीक है, उसके बाद जब रीपर आपका पहुंच जाता है जी आपके मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके शहर में जी, तो आप पूरा पैसा जमा करवा के रीपर ले सकते हो जी, ट्रांसपोर्ट का खर्चा आपका होगा जी, जो मतलब ट्रांसपोर्ट का वो अलग से आपको देना पड़ेगा जी। तो सर आपने इस रीपर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी और किसानों के लिए बड़ा अच्छा काम करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों आज की जो वीडियो थी किसान भाइयों जय किसान रीपर की थी किसान भाइयों, और इनके जो प्रोडक्ट होते हैं काफी जबरदस्त तरीके के होते हैं, क्वालिटी बेस्ड होते हैं। अभी आपका गेहूं का सीजन आ रहा है तो आप इनके रीपर को खरीद के एक नई इनकम जनरेट कर सकते हैं किसान भाइयों। और एक चीज मैं बोलूंगा,
प्रोडक्ट आपको वहां से लेना है जहां पे आपको क्वालिटी मिले और चीजें जेन्युइन मिले। और सर का तो लाजवाब है चीजें, क्योंकि किसान जब कहता है, किसान ने मुझे कई बार कहा कि वीडियो बनाओ, फिर इसलिए मैं मानसा पहुंचाऊं किसान में। तो किसान में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। फिर से मिलेंगे इसी तरह की एक नई और यूनिक वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।